नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम सीखेंगे किसी भी कॉपी का कवर कैसे चढ़ाएं। जी हाँ, स्कूल बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉपी का कवर बार बार फाड़ देते हैं। देखो बच्चे ने हमारे कवर फाड़ दिया है। ऐसे में बार बार बाजार जाकर कवर चढ़ाने का झंझट से छुटकारा पाएं और घर पे ही अपने कवर कैसे चढ़ाएं, ये हम आज आपको सिखाएंगे। देखिए ये कॉपी है, एक कवर तो मैं चढ़ा चुका हूँ। इस प्रकार का प्यारा सा कवर आप भी घर पे चढ़ा सकते हैं। कवर चढ़ाने के लिए हमें एक कॉपी चाहिए, जिस कॉपी के ऊपर हमें कवर चढ़ाना है। हमें चाहिए एक कागज़, या आप बच्चे के हिसाब से किसी भी तरीके का कागज़ जिस तरह रंग का आप चढ़ाना चाहते हैं। स्कूल के अंदर नीला लाल इस टाइप की अलग अलग कॉपियों का अलग अलग कवर चढ़ाने के लिए वो बोलते हैं। तो हम आज कवर चढ़ाना सीखेंगे। कई लोगों को कवर चढ़ाना नहीं आता, बाजार जाते हैं, बाजार वाले फालतू के एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, जबकि हम घर में आसानी से कवर चढ़ा सकते हैं। अतः एक रंगीन कागज़ लें, उसका सफ़ेद भाग आपको रखना है कॉपी के अनुसार। तो दोस्तों कवर चढ़ाने के लिए हमें एक ऐसा कवर चाहिए कॉपी के नाप का। कॉपी का नाप लेने के लिए आप क्या करेंगे कि आप कॉपी को इसके अंदर रखेंगे, अतः इसको खोलेंगे। सबसे पहले कॉपी को खोल के देखेंगे कि इसके नाप का दो दो तीन तीन इंच बाहर होना चाहिए और बाकी कवर अंदर होना चाहिए। ठीक है साहब, तो हम जैसे हमें हरा कवर चढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, बीच का इसका ये जो वाइट वाला भाग है इसके अंदर कॉपी रखेंगे। पुराना अगर आपके पास कवर है तो आप चाहें तो उसे हटा भी सकते हैं, नहीं चाहें तो आप उसको लगे रहने दें, कोई दिक्कत नहीं, मजबूत रहेगी कॉपी। हमने इस प्रकार से इसको लिया है, ये आधा फटा हुआ है लेकिन ठीक है, इसके ऊपर एक नया कवर चढ़ा के देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हमने दो दो तीन तीन इंच जो है बीच में कॉपी इसमें रख दी, अब हम देखेंगे ये देखिए ये चीर मेन है। इस चीर के अकॉर्डिंग इस कागज़ को आप चाहें तो हाथ से पढ़ें, चाहें अगर आपके पास कैंची है तो आप कैंची का यूज़ करें और इस प्रकार से जो है इसको बिल्कुल चपटा कर लें। फिर आप इस साइड से देखें, इस साइड से भी आपको क्या करना है, आपको देखना है इसका मार्जिन, और इसके मार्जिन के अकॉर्डिंग आप कागज फाड़ के इसको अंदर की तरफ जो है वो फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद आपको इस वाला जो कागज है, अगर आप इसको डायरेक्ट नहीं करते हैं तो ये बाहर निकल जाता है, अतः आप इसको अंदर की तरफ से इस प्रकार से फोल्ड कर लें और ये देखिए बन गया। ऐसे ही आप इस साइड से भी इस प्रकार से यूँ अंदर लेकर अंदर से चपटा करके यूँ अंदर आपने कागज फोल्ड किया इस प्रकार से, और जो है अब आपको इसके अंदर इसको पलट देना है। इस प्रकार से इसको आपको पलट देना है। पलटने के बाद आप इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दें और इसको एक बार पूरी तरीके से चपटा करके कुछ सलवट हो तो निकल जाए। सलवट निकलने के बाद आपको एक स्टेपलर लेना है और स्टेपलर लेकर आपको सबसे पहले ये जो है कागज़ इसको ये अंदर की साइड होना चाहिए ताकि बच्चे के हाथ छिले नहीं। ये देखिए ये ऊपर और ये अंदर की तरफ छिल सकता है, कवर पटने का भी डर रहता है, अतः इसको आप अंदर की तरफ रखें। इसी प्रकार से दूसरी साइड भी आप जो है इसको देखकर इस प्रकार से स्टिच कर लें। एक एक स्टिच आपको इस साइड भी करना है अंदर की साइड ताकि कवर हिले नहीं, अतः एक स्टिच और अंदर की तरफ बिल्कुल कागज डालकर सलवट हटाकर एक स्टिच आपको अंदर की साइड। इसी प्रकार से इस प्रक्रिया को हम पीछे की साइड दोहराएंगे। अब आप पीछे की साइड आ जाएं, ये देखिए, और ये कागज़ हमने लिया। सबसे पहले वही हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे दोनों साइड से हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया और इस कागज़ को हम चपटा करके इसको इस साइड से फोल्ड करेंगे। देखिए, अतः हमने जो है इसको अंदर की तरफ से फोल्ड कर लिया है। इस साइड से भी देखिए हमने अंदर से फोल्ड कर लिया है और इसको जो है अब हम इस प्रकार से
इस प्रकार से जो है हमने इसको दोनों इसके किनोरे अंदर की तरफ कर लिए और हमने जो है इसको अंदर की तरफ लपेट लिया। अब आप इसको इस तरीके से अंदर की तरफ ले जाएंगे। कॉपी को बंद करिए, कोई सलवट हो तो उस सलवट को जो है आप इसको हटाएं हाथ से अच्छी तरीके से प्रेस करके। सलवट हटने के बाद इसको अंदर की तरफ जाके और पिनअप से स्टिच कर लीजिए। ये देखिए इधर से किया, इधर से किया, एक इधर लगाएंगे हम, एक एक खत्म हो गया। देखिए इसमें देखिए हमने ये दोनों इस साइड अंदर की तरफ से बंद कर दिया है, स्टिच कर दिया। अब हमको इसको अंदर की तरफ लेकर एक पिन हम इधर की तरफ लेंगे। देखिए ध्यान देने योग्य बात है कि आपको इस साइड को अंदर की तरफ रखना है क्योंकि इस साइड ये तीखापन होता है, तीखेपन से बच्चे के हाथ कटने का डर रहता है। अतः इसको हम इधर की तरफ अंदर की तरफ रखेंगे। ये देखिए इसी प्रकार से हम इसको इधर से स्टिच करेंगे। अतः इस प्रकार से हम किसी भी कॉपी पे बहुत ही आसानी के साथ उसको कवर चढ़ा सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है कवर, बढ़िया। इसी प्रकार से देखिए हमने ये कवर चढ़ाया, इसी प्रकार से हमने ये एक रेड कलर का कवर चढ़ाया है, एक ये पीले कलर का कवर चढ़ाया है। अतः अब ये करने के बाद चारों कॉपियाँ एकदम शानदार बन गई हैं। अब आप क्या करेंगे, कॉपी का फ्रंट देखेंगे। कॉपी का फ्रंट किस साइड है, कॉपी का फ्रंट देखकर अतः ये फ्रंट है तो आप इसके अंदर ऐसा बाजार से ही ऐसे स्टिकर मिल जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टिकर हैं। स्टिकर को लेकर आप बड़े ही आसानी से स्टिकर को लीजिए, इस प्रकार से स्टिकर को उतार के। और एक चीज़ ध्यान देने होगी, इस कॉपी के अंदर, इस कॉपी के आपको ऊपर के साइड थोड़ा सा बिल्कुल बीचों बीच इस स्टिकर को चिपका देना है। ये देखिए कॉपी के थोड़े ऊपर की साइड आपको इसको कॉपी को चिपकाना है, स्टिकर को। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से हमने ये कॉपी बनाई है। बाजार से स्टिकर मिल जाते हैं, स्टिकर चाहे तो आप लगाएं, नहीं तो आप अपने घर पे भी कागज़ से चिपका सकते हैं। देखिए कितनी प्यारा लग रहा है। अतः अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।